निकल रहा हूँ निकल समझ में यार इतनी निकल बाहर निकल नहीं नहीं मैं मर जाऊं तो मेरी वीडियो अपलोड कर देना बस कहीं से एडिट करवा के 18,000 फीट है ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत कम होता है तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो यहाँ पे ज्यादा देर ना रुको ये नहीं आया चैनल टाइम हो रहा है सुबह के 9 और टेम्परेचर है यहाँ पे -22 मतलब बर्फ इतनी नहीं है लेकिन ठंड बहुत है क्योंकि ये जो हुंदर जगह है ये एग्जैक्टली आ रही है पहाड़ों के बीच अगर आप चारों तरफ देखोगे ना तो पहाड़ ही पहाड़ है और रास्ते में खारदुंगला वहाँ तो टेम्परेचर था -25 के ऊपर तो मतलब मुँह तो ऐसा बन चुका है जैसे साइलेंसर होता है ना पूरे दिन मुँह से धुआं ही निकलता रहता है तो वैसे तो हम इधर आए थे क्योंकि हमको यहाँ से आगे जाना था टोटुक के आगे है पाकिस्तानी बॉर्डर मतलब व्यूज बहुत अच्छे हैं जो माउंटेन्स आते हैं तो प्लान है तो अपना कल ही फ्लॉप हो चुका क्योंकि हम आए थे लेट तो प्लान भी हमने बनाया कि हम यहाँ से जाएंगे पैनेमिक है मतलब यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है तो ऐसा सुना था तो फिर सोचा कि सुबह जाते वक्त पैनेमिक जाएंगे फिर वहाँ से ले निकल जाएंगे लेकिन फिर देर हो गई मतलब सुबह उठना था 7 बजे ठंड इतनी थी कि कहाँ 7 बजे उठते 9 बजे उठे नहाना तो आप भूल ही जाओ मतलब ऐसे मौसम में नहाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ले में देखेंगे क्योंकि वहाँ जो हमारा होटल है ना मतलब रिजॉर्ट है वहाँ पे हर फैसिलिटी है मतलब गर्म पानी है हाँ अंदर रूम में हीटर है हीटर तो यहाँ भी है लेकिन नुब्रा में क्या दिक्कत है नुब्रा में इतनी ठंड होती है कि पानी जम चुका है तो यहाँ पे ना बाथरूम में पानी आता है बकेट सिस्टम है मतलब आप बकेट से लेके नहा सकते हो अगर नहाना हो तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है अब प्लान बी भी फ्लॉप हो चुका है प्लान सी अपना हम यहाँ से निकलने वाले ले वापस खारदुंगला होते हुए और अगर जल्दी पहुँच जाते तो वहाँ कहीं ले मार्केट में घूम लेंगे और अगर शाम हो जाती है तो बस वही रूटीन जाओ अपना खाओ पियो सो चलो निकलते नीचे चलते आज ब्रेकफास्ट में मेरे ख्याल से लद्दाखी ब्रेड मिलने वाली है ट्राई करते कैसी होती है लद्दाखी ब्रेड गुड मॉर्निंग अंकल क्या कर रहे हो चेन का अभी फिट कर रहे हैं अभी कहाँ करेगा उधर जब भरा होगा तभी नहीं अभी क्या कर रहे हैं फिर इसका अच्छा लूज हो गई सेट करके रखेंगे ना डोरजी अंकल चिल्ला रहे बोल रहे हैं यार निकलना है नहीं निकलना फिर बाद में मुझे बोलोगे क्योंकि ऊपर चढ़ी नहीं क्योंकि तूने ढंग से देखा नहीं कहाँ बैठ गए ना देखो सब लोग जिस घर के बैठ गए ये तो यहाँ हरे हरे वो अच्छा वो तो एक हाथ दे देना उसको यार तो सेल्फिश भी ना गया यार राहुल अंदर आ गया लद्दाखी ब्रेड है और ये पूरी है लद्दाखी ब्रेड है खाई ऐसे ही खा ले कुछ है साथ में हाँ ब्रेड खाई तूने है। आधी आरी मिलेगी काटने के लिए बस 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 थैंक यू मैं पैक कर लेता हूँ जो ठीक है सर थैंक यू वेरी मच फॉर द सर्विस ओके ओके चलो जुले उठक बैठक लगा दस ऐसे थोड़ी ना होता है दस उठक बैठक एक दो तीन दस अब आ जाओ बाहर पकड़े सर करना पड़ता है इतना सर निकल रहा हूँ निकल समझ में यार इतनी निकल बाहर निकल हम ऐसे ही है और एक हम आते हैं फिर हम ऐसे ही है देख अच्छी है बहुत सुंदर है
या ऐसे ना वो काम हो रहा है, मैं हमको डांडली लेके गए कॉलेज की ट्रिप से, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, बोला ये डांडली हाँ गोवा के इधर, तो मैं बोला अच्छा, तो वहाँ जाके वो जो सफारी वाला था ना जीप वाला, वो जाके जंगल में क्या दिखा रहे, देखो कुत्ता, देखो गधा, ये चीज़ है। करना तो मुश्किल है, हाँ मैं मर जाऊं तो मेरी वीडियो अपलोड कर देना बस कहीं से एडिट करवा के। लद्दाख में बर्फ तो सब देखते हैं, हमने देख लिए सैंड ड्यून्स भी, यार बहुत नीचे तक है, अभी कैमरे में पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। कौन सी जगह ये हुंदर ही है ना? अच्छा हुंदर सैंड ड्यून्स। वो सुनील शेट्टी क्या बोलता है माँ। और ये बहुत ठंडा है यार, अभी मन नहीं है, रेत बहुत ठंडा है, नहीं तो मैं ऐसे लगा लेता। आप मेरी वीडियो बना रहे हो? आप राहुल को फटने लगती है। 1 2 चलिए राहुल, मैंने भी वीडियो किया इसी तरह YouTube में डाल देगा अपने। क्या है बिहाइंड द सीन BTS आप लोग, ठीक है चलिए। हाँ लगा देगा, आप कोई चाय छू पी तो पी लो। ओ राम, थैंक यू। कॉफी चाय है? अच्छी है। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। राहुल हाँ बोलो। ये वाला टायर पत्थर आगे वाला में डाल देना, बाद में दूंगा। ये मतलब हर टायर टायर के हिसाब से होती है? नॉर्मल टायर के हिसाब से होता है ना। अच्छा गाड़ी के हिसाब से लेनी पड़ेगी, मतलब ये जब खोली होती है क्लिप निकाल के, बस एक बार इसको प्रेस करोगे तो ये लॉक खुल जाता है यहाँ से, उसके बाद गाड़ी आगे ले लो। बस लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जैक वैक लगाना पड़ता है टायर हवा में उठा के। अब कम से कम 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर बाद देखते हैं कि रोड की कंडीशन कैसी, क्योंकि कल लेह में भी स्नोफॉल हुई थी। और इधर अतुल अपने मित्रों से मिलता हुआ, मतलब जब सेम ब्रीड आपस में मिल जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, है ना। भालुओ क्या नाम है इनके, नाम है कुछ? ओ अटैक, नहीं 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 नहीं, वही 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 मुड़का नहीं भर लेना। कल यहाँ पे मैं दो बार गिरा था, तो आज संभल के चलूंगा कि गिरूँ ना तो तो आज ये तो पहली चेन खोल दी, मतलब खारदुंगला में ही। मंडो जी अंकल यहीं पे ही खोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, टाइट कर रहा। अच्छा टाइट कर रहा। 18,000 फीट है ऑक्सीजन लेवल, यहाँ पे बहुत कम होता है, तो अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो यहाँ पे ज्यादा देर ना रुको। चलो तो चलो अगली बार कभी खुद आए तो कम से कम चेन खुलने लगानी तो आ गई है। ये एक
आगे खोलना पड़ता है। फिर भी लगाना मुश्किल काम है, खुल तो आराम से जाती है। आपने नहीं खोली अब तक? मैं खोल भी थी, पता है आपको? ये नहीं आया, वो वाला नहीं आया। अब थोड़ी बना ही, अब ऐसी टाइम पे, अब ऐसे टाइम पे वीडियो बनाओ या काम करो, ये बताओ मुझे। दूसरा लॉक नहीं खोला ना, मैंने सोचा बहुत जल्दी खोल दिया, खुश होकर दादा मैंने कर दिया बहुत जल्दी कर दिया। अब जा रहे हो? हमें जा रहा हूँ, मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके ओके। मार्केट, मतलब हम नुब्रा से सीधा यहीं पे आ गए, क्योंकि पहले दिन भी शॉपिंग नहीं कर पाए थे, तो भाई बहनों ने बोला कि शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं बोला कि ठीक है चलते आज। तो अभी चल रही है शॉपिंग, यहाँ से हम निकल जाएंगे वापस अपने होटल, और कल का प्लान तो मतलब कल लास्ट दिन है, कल हम निकल जाएंगे वापस दिल्ली के लिए, दोपहर में 12-1 बजे फ्लाइट है। तो बस ले मार्केट से वीडियो को एंड करते हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे तो एक छोटा सा कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं कल सुबह, लास्ट डे, देखते हैं कुछ होता है तो, नहीं तो नॉर्मल पैकिंग करेंगे, खाना खाएंगे, निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। टोपी कैसी लग रही है? टोपी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, वो अंग्रेजों के जमाने की क्या होता है, ऑर्डर ऑर्डर बहुत, इतना मत हंसाया करो राहुल भाई, फट जाती है हमारी फैमिली शो भाई, तेरे 10,000 बार बोला है, 7 एपिसोड बन चुके हैं, फैमिली शो है तू मानता नहीं।